लास्ट संडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ राइचियस फादर जो सराउंडेड बाय विकेडनेस एक ऐसा बाप एक ऐसा बेटा एक ऐसा ग्रैंडफादर जो जिसको खुदावद ने इस दुनिया में रखा लेकिन जिसके इर्द गिर्द सिवाए बदी के बुरे कामों के और कुछ नहीं था ही वाज़ सराउंडेड बाय डार्कनेस ही वाज़ और डीप डार्कनेस ये नहीं था कि डार्कनेस थी ही वॉज सराउंडेड बाय डीप डार्कनेस एवरीवेयर डार्कनेस सब जगह तारीकी थी और बाइबल मुकदस में बुक ऑफ जेनेसिस में हमने एक शख्स के बारे में देखा जिसके नाम का मतलब था रेस्ट एंड पीस और उसके बाप ने उसका नाम रखा कि ये इस दुनिया में पीस को लेकर आएगा ये इस दुनिया में एक बहुत बड़ा काम करेगा और बाइबल मुकदस में हम देख रहे थे जब हम नूह के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है वर्स नाइन चैप्टर सिक्स वर्स नाइन बाइबल में लिखा है नूह का नसब नामा यह है नूह मरद रास्त बास और अपने जमाना के लोगों में बेऐप था नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसके तीन बेटे सेम हाम और याफ्त पैदा हुए पर जमीन खुदा के आगे नारास्त हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नारास्त हो गई है क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था हर बशर ने जब मैं इस पैसेज को देख रहा था अब ये ये वाक्य उस जगह पर है जहां पर आप हर साल बाइबल शुरू करते हैं बिकॉज आई नो एवरी कैलेंडर ईयर्स पीपल थिंक आई एम गोना स्टार्ट बाइबल एंड दे आर गोना स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस दे स्टार्ट बाइबल फर्स्ट टेन ट्वेंटी चैप्टर्स देन दे लॉस्ट और फिर वो बंद हो जाती है रूटीन खत्म होती है फिर कहते हैं नया महीना चढ़ेगा तो ये वो वाक्य है जो शुरू के दिनों में ही आ जाता है इसलिए फ्रॉम आवर संडे स्कूल वी नो दिस दिस स्टोरी इट्स अ ग्रेट स्टोरी और फैसिनेटिंग स्टोरी और इनकरेजिंग स्टोरी जिसको बचपन से मैं और आप सुनते आए हैं अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आ, हम आ, जिसको हम डिस्कस भी करते आए हैं बट आई जिस गुडे जब पिछले संडे हमने कुछ देखा नू के मतलब एक और पॉइंट जो मैं इसमें गौर कर रहा था नोहा वॉक विद गॉड बाइबल मुकदस में लिखा है वो मर्दे रास्तबास वो खुदा के साथ चलने वाला शख्स और खुदा के साथ कौन चल सकता है जो रास्ते को पसंद करता है हु कैन वॉक विद गॉड हू लाइक राइचियसनेस जो राइचियसनेस को पसंद करता है ही वॉज हैविंग अ फेलोशिप डीप फेलोशिप विद गॉड यू कैन ओनली वॉक विद गॉड वैंड यू हैव डीप कनेक्शन रिलेशनशिप आप मिया बीवी इफ यू आर रिलेटेड डीपली आपका प्यार है यू टॉक लॉट यू डिस्कस एक दूसरे को बताते हैं अपने प्लान के बारे में आप एक दूसरे के जहन को समझते हैं व्हाई? बिकॉज यू लव सो नोहा के अंदर खुदा की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी और खुदा की मोहब्बत ने उसको पूरी करप्ट दुनिया में विकेट दुनिया में अपराइट रखा दुनिया एक तरफ थी एक बंदा एक तरफ था आज आजकल आपको पता है दुनिया किसके साथ चलती है फॉलोअर्स के साथ ओ इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है इसके साथ चलो इसके फॉलोअर्स जितने हैं इसके साथ चलो अकेले शख्स के साथ बहुत कम लोग चलते हैं बनोहा और उसका खानदान आठ जाने एक तरफ थे पूरी दुनिया एक तरफ और जब मैं इसे स्टडी कर रहा था तो मैंने फिर से अपने लिए मुझे बड़ी इंकरजमेंट मिली कि उसके रिलेशनशिप के मुतालिक उसका रिश्ता कितना मजबूत था खुदा के साथ और वो दिन और रात खुदा के साथ चलता था और जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं वो हमेशा अपनी जिंदगी से जाहिर करते हैं लोग उनको देख के जान लेते हैं ये खुदा के लोग हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड तो लाइट को बताना नहीं पड़ता कि मैं लाइट हूं लाइट जल रही होती है तो आपको पता लग जाता है कि वो लाइट है लाइट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ता अपने आप को एक मसीही जिसका डीप रिलेशनशिप खुदा के साथ है जो खुदा के साथ आ, अच्छे तरीके से चल रहा है उसको जरूरत नहीं है कि वो जाकर ढिंडोरा पीटे आई एम क्रिश्चियन आई एम बोर्न अगेन क्रिश्चियन नो आपके काम आपकी बातें आपकी गुफ्तगु योर वॉक विल टेस्टिफाई योर रिलेशनशिप विद गॉड हु बहुत सारे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। मैं बाइबल में से देख रहा था कि ह्यूमैनिटी वॉज सेव बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट मैन नस्ल इंसानियत आज अगर जिंदा है तो इस एक शख्स की वजह से क्योंकि किस पर निगाह की खुदा ने पूरी दुनिया में डार्कनेस थी और एक तरफ क्या था रोशनी एक घर के अंदर टाइनी टाइनी लाइट थी और खुदा उसे जानता था so because of his grace, because of his mercy, because of his love, God saved Noah's family. एक बंदे की वजह से आठ सात जाने और बच गए, क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था और आज मैं जब इसके बारे में गौर कर रहा था मैं इसको देख रहा था कि खुदा के साथ चलने में लोग शर्म महसूस करते हैं रिमेंबर वी आर कॉल्ड टू वॉक विद गॉड हमें दुनिया में पैदा इसलिए किया गया है कि हम दुनिया के साथ ना चलें, अपने दोस्तों के साथ ना चलें, रिश्तेदारों के साथ ना चलें, उनकी मर्जी पे ना चलें, खुदा के साथ चलें। किसके साथ चलें? खुदा के साथ ना दुनिया के साथ चलो क्योंकि दुनिया और उसकी शक्ल बिगड़ती जाती है दिस World is going to destroy. Aaj, mera khayal downtown me, ya muktalef prayed. par, parade hai. Can you imagine, ke asmanon pe Khuda Can you imagine, ke Khuda ki banai hui duniya ko insan ne kis <laughs> bigara hai? Because they are walking with media, they are walking with human, they are not walking with God. लेकिन खुदा उन पर निगाह रखता है जो उसके साथ चलते हैं चाहे उनकी कोई आ, कोई लोग उनको उनका इश्तहार लगा है या नहीं पर खुदा को पता होता है ही इज द वन हु वॉक विद मी मैं जब इसके देख रहा था ही वॉज नॉट वॉकिंग मीन्स नॉट जस्ट फिजिकली बिसाइड हिम वॉकिंग मीन फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली ही वॉज वॉकिंग विद द लॉर्ड ये एक बहुत बड़ी बात है and the second thing what i was thinking walking with the lord means listening to him that you open your ears all the time tune you like that god when god talk to you most of the time वाई वी डोंट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि खुदा का कलाम दो थारी तलवार की मानंद है जो बंद बंद और गुदे गुदे से गुजरता है डबल एज सॉर्ड वाई वी डोंट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि जब कलाम हमसे बात करता है तो हम डर जाते हैं हम इसे खोलते ही नहीं है क्योंकि इसमें हमें अपना चेहरा नजर आता है बाइबल यह बताती है हिज रिलेशनशिप वॉज सो एकट ज रिलेशनशिप वॉज सो पावरफुल सो पावरफुल के आसमानों पर भी फरिश्तों के दरमियान उसकी डिस्कशन होती है आसमानों पर भी खुदा के प्लान जो बनाए होते हैं इंसान को खत्म करने के लिए वह तब्दील हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वन पर्सन क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुनता था बहुत सारे लोग हैं

मैं जब सोचता हूँ नोहा के मतलब लिखा है कि वो बेऐप था खुदा के साथ चलता था अब कईयों का नाम नोहा का नाम उसकी सिफात को उसके करेक्टर को बयान करता है वो दुनिया में रेस्ट को भी लाया और पीस को भी लाया आपको पता है कईयों का नाम होता है राइचस आई हर्ड कईयों का नाम इस तरीके से उनके नाम दिए होते हैं ईमान नाम रखा होता है और सबसे बेईमान वो होता है नाम ईमान रखा हुआ है भाई बेईमानी जो है वो जिंदगी के अंदर होती है नाम सदाकत है पर झूठ जिंदगी में है नाम सच्चाई है पर झूठ की राहों पर चल रहे हैं नाम रफाकत है पर फेलोशिप कभी नहीं रखी किसी के साथ नाम तो खुदा आ, मिल गए पर हम नाम के अगेंस्ट चल रहे होते हैं तो कई दफा नू का नाम जो खुदा ने जो उसके बाप ने रखा था वो उसके मुताबिक चला वो तो कई एक वाकया में पढ़ रहा था कि किसी जगह लिखा है कि एक जगह कोई शख्स गया और उसने देखा वो लेट हो रहा था और उसके पास सूट था और उसकी मीटिंग थी और उसने वो बाहर गया और उसने देखा कि लिखा है वन आवर ड्राई क्लीन तो उसने सोचा वो आई कैन ड्राई क्लीन माय सूट ओवर देयर सो so, वो जब गया तो उसने अपना सूट दिया और उसने उसे जब स्लिप दी सो तो उस स्लिप में लिखा था यू कैन पिक अप योर सूट अ डे आफ्टर टुमारो बट ही सेड दैट इट आवर सर्विस इट दैट्स द नेम ऑफ आवर ये नाम है हमारी दुकान का काम हमारा ऐसा नहीं है सो so समाइम हमारा नाम हमारे काम से ऑपोजिट होता है यू अंडरस्टैंड वर आई मैन नाम रखा हुआ है पर खुदा के साथ नहीं चल रहे मैं जब यह देख रहा था नोहा लिसन टू में लिखा है 11 वर्स 7 में ईमान ही के सबब से सब से ने सब चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घर आने के लिए बचाव के लिए कश्ती बनाई जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है नोहाज करेक्टर शोज ऑबियस कि वो खुदा की आवाज़ को सुनता था मैं जब इसके मुतालिक देख रहा था कि खुदा की आवाज़ को सुनना कितना इम्पोर्टेंट है हम खबरें सुनते हैं यूट्यूब पर हम बड़ी खबरें सुनते हैं और चीज़ें सुनते हैं फेसबुक पर लोगों को सुनते हैं इधर उधर सुनते रहते हैं पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है खुदा की आवाज़ को सुने खुदा की आवाज़ को सुने टेलीफोन पर गप्पे सुनते रहते हैं बुराइयाँ सुनते हैं गिबदगोई सुनते हैं पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है खुदा की आवाज़ को सुने जब खुदा ने नोहा से बात की तो उसने उसकी बात को सुना और फिर लिखा है बाइबल मुक़दस में प्रोवर्ब्स चैप्टर एट वर्स थर्टी टू में क्योंकि मुबारक हैं वो जो मेरी राहों पर चलते हैं नोहा किस पर चलता था खुदा की राहों पर मेरी राहों पर चलते हैं अपनी राहों पर नहीं चलते फिर आगे लिखा है तरबियत की सुनो और ना बनो किसकी सुनो तरबियत की सुनो और दा बनो और उसको रद्द ना करो फिर आगे लिखा है मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है हु इज द ब्लेसड पर्सन हियर्स द लॉड जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है फिर लिखा है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजे की चौकटों पर ठहरा रहता है a person who is a blessed, किसी रिच पर्सन को नहीं कहा गया ये बड़ा बरकत वाला है किसी एजुकेशन एजुकेटर को नहीं कहा गया किसी इकोनॉमिस्ट को नहीं कहा गया किसी बड़े बादशाह को नहीं कहा गया किसी ऐसे शख्स को ब्लैसेड नहीं कहा गया किसी ऐसे शख्स को नहीं कहा गया जो बड़ा स्मार्ट है जो बड़ा अच्छा बोल सकता है blessed किसे कहा गया Who is the blessed? जो खुदा के घर में आता है जो अपने घर में खुदा के कलाम को खोलता है और उसके कलाम को सुनने के लिए अपने कामों अपने कानों को ट्यून करता है और नोहा यह बात करता था नोहा हर रोज छुपता था और खुदा के कलाम की बातों पर सुनने के लिए अपने कानों को ट्यून करता था सांग 128 वर्स 1 में लिखा है मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है एक और चीज जो वॉकिंग के हवाले से मैं देख रहा था वॉकिंग विद गॉड मीन्स डूइंग दैट लुक्स फॉलिश टू अदर्स जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हो सकता है लोग आपको कहे यार ये क्या बेवकूफ सा शख्स है ये क्या हर वक्त खुदा की बातें करता है क्योंकि दुनिया कुछ और कर रही है आप कुछ और सोच रहे हैं यू आर अगेंस्ट द वर्ल्ड हैव यू हर्ड अबाउट ट्राउट फिश कभी आप पहाड़ों में रहे हैं तो आपको पता हो ये एक फिश है जो अगेंस्ट द वॉटर चलती है वाटर का जो बहाव होता है वो उसके अगेंस्ट जा रही होती है पानी किसी और तरफ जा रहा है बट वो आ, अपने जोर से पहाड़ों के ऊपर चश्मों में चल रही होती है ट्राउट फिश पहाड़ों के अंदर है काफी महंगी फिश है वो okay? क्या ये बहाव के साथ नहीं चलती बिकॉज बर्ड्स फ्लाइज इन फ्लॉक्स ईगल फ्लाइज अलोन तो बाइबल क्या बताती है यहाँ पर नोहा एक ऐसा शख्स था जो दुनिया की फिक्र नहीं करता था दुनिया उस लोग उसे फुल समझ से थे लेकिन वो दुनिया के साथ नहीं चल रहा था मैं जब इसके मतलब देख रहा था एक और बात जब वॉकिंग के हवाले से मैं देख रहा था कि उसने अपने ईमान का इजहार कैसे किया यू नो हाउ वी टॉक अबाउट सो मच अबाउट फेथ बाइबल में लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है यू हर्ड अबाउट दैट वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट जो चीजें हमें नजर आ रही हैं जो चीजें नजर नहीं आ रही हम उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं कैन यू इमेजिन दैट और बाइबल यह बताती है ही अप्लाइड हाउ ही अप्लाइड हिज फेथ उसका ईमान का इजहार कैसे हुआ हाउ ही अप्लाइड थ्रू हिज ओबीडियंस हाउ ही अप्लाइड फेथ थ्रू हिज ओबीडियंस अपनी ताबेदारी से उसने अपने ईमान इम, का इजहार किया खुदा ने जो उसे कहा उसने उस पर अमल किया यह उसका ईमान था और ईमान का इजहार कैसे हुआ थ्रू हिज ओबीडियंस उसने अपने ईमान को कैसे दिखाया दुनिया को आई एम गोइंग टू फॉलो चाहे मुझे कोई चीज नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही जो बाइबल में लिखा है वही सच है जो है वही सच है आई एम गोइंग टू फॉलो दट गॉड कैन डू मुझे मेरा ईमान है तो खुदा सब कुछ कर सकता है तो बाइबल ये बताती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने ईमान का इजहार इस तरह से नहीं करते हम कहते तो हैं ओ आई है क्राइस्ट बट थ्रू ओबीडियंस मिटमेंट थ्रू आवर फेथफुलनेस हम कभी जाहिर नहीं करते कि हा हमारा ईमान कितना बड़ा है अगर किसी के ईमान को देखना हो तो उसको देखें कि वो कितना ओबीडियंट है खुदा के किसान बिकॉज ही इज ट्रस्टिंग इन गाड वो खुदा पर ट्रस्ट कर रहा है और उसे पता है कि मेरा खुदा मेरे लिए ये काम करेगा और कैन यू इमेजिन जब मैं इसको पढ़ रहा था बाइबल जेनेसिस चैप्टर सिक्स है और नू ने यू ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया उसने सजेशन नहीं नहीं दी मेरे बच्चे वे ना कह सकता था ना पांच सौ साल का था जब उसके बच्चे पैदा हुए खुदावंद अभी तो बच्चे छोटे है मैनू केड़े काम पर मेरे पास तो कोई मशीनरी नहीं है इट्स वेरी हार्ड हाउ आई एम गोइंग टू कट इट वॉज अ बिग टास्क इट वॉज नॉट अ स्मॉल शिप इट वॉज अ मैसेव टास्क बहुत बड़ा टास्क था उसके पास बट उसकी राइचसनेस खुदा के साथ चलना यह बात बताता है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा ही इज गोइंग टू स्ट्रेंथन मी ही इज गोइंग टू लीड मी

नो, कुल्हाड़ा लिया और निकल पड़ा अपने ईमान का इजहार करने यू नो दैट दैट्स द वॉकिंग विद गॉड कि जब खुदा आपसे बात करता है आप सब कुछ छोड़कर वो काम करना शुरू कर देते हैं लोग कहेंगे वो यार ये क्या कर रहे हो यू गोना वेस्ट योर लाइफ ईमान ही के सबब नोने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घर के बचाव के लिए कश्ती बनाई जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारस हुआ जो ईमान से है हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 7 मैंने आपको पढ़, पढ़ के बताई ईमान से उसने बताया उसने कभी बारिश नहीं देखी थी पर उसका खुदा के साथ चलना इस बात का सबूत था कि बारिश भी कोई होती है उसने कभी तूफान नहीं देखा था और उसे पता था कि अगर खुदा कह रहा है तो तूफान आएगा क्योंकि बाइबल यह बताती है कि जमीन में थी। उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई और खुदा ने जो कहा उसने उस पर ईमान रखा और उसका ईमान रखना उसके ईमान का इजहार था उसकी ओबीडियंस उसके ईमान का इजहार थी तो मैं कई दफा यह सोचता हूं कि हम ईमान का जिक्र तो करते हैं पर उबे नहीं करते हैं एक शख्स था बहुत पुरानी मैंने ये बुक में एक में पढ़ा था और ये रियल वाक्य किसी ने बताया कि न्याग्राफ फॉल के ऊपर किसी ने एक रस्सी लगाई और एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर वो दिखा रहा था लोगों के सारे लोग खुश हो रहे थे और उसने कहा कि अब मैं साइकिल पर बैठकर जाऊंगा सब लोगों ने तालियां बजाई डरे हुए कि वो गिर जाएगा लेकिन वो कामयाब हुआ और जब कामयाब हुआ तो सब लोग बड़े खुश हुए फिर उसने कहा कि अब मैं आप में से किसी को पीछे बिठाऊंगा और वो मैं उसको दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा अमेरिका की साइड पर तो उसने कहा हु इज गोइंग टू वॉलंटियर एवरीबडी वर्स क्वाइट उसके लिए तो तालियां बज रही थी उसके ऊपर तो ईमान था कि कर कर ये कर सकता है पर अपने लिए ट्रस्ट करना मुश्किल था और मेरा और आपका भी इसी तरह से ईमान यस्सु मसीह पर है हम ईमान का इजहार तो करते हैं यस जीसस यू कैन डू दैट यू कैन डू दैट लेकिन ओबे नहीं उसे करते ओबे नहीं करते कि खुदा बरकतें दे सकता है जब बात आती है पैसों की तो फिर हम सोचते हैं नो खुदावन तुझे पैसों की जरूरत नहीं है डोंट नीड जब बात आती है टाइट की वी डोंट गिव इट टू द लॉर्ड हम अपने ईमान का इजहार नहीं करते हम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते प्यार और मोहब्बत का इजहार प्रैक्टिकली किया जाता है और जब मैं नो के मतलब देख रहा था ही ओबेड गॉड उसने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया आई नो उसका बिजनेस क्या था उस वक्त वो क्या करता था परे खुदावन ने एक उम्र मुकर की 120 साल ये 120 साल जो दिए गए थे ये इंसान की उम्र नहीं थी क्योंकि अगर आप बाइबल में पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे नबी बहुत सारे लोग 135 साल इब्राहम की एज को देखें 120 से कहीं ज्यादा मुख्तल लोग ज्यादा जिंदगी ये एक सौ बीस साल खुदा ने इंसान को दिए कि वो ये वो दिन है जिसके बाद फ्लड आएगा एक सौ बीस साल उसे कश्ती बनाने में लगे और जब कश्ती का काम कंप्लीट हुआ तब खुदावन फ्लड को इस दुनिया में लेकर आया कितने साल खुदावन ने यह कहा था कि इंसान की उम्र 120 साल उस वक़्त जो जिंदा थे 120 साल ये और जिंदा रहेंगे और उसके बाद वाइप आउट कर दिया जाएगा तो मैं ये देख रहा था कि ही अप्लाइड बेंग गाड उसने अपने ईमान का इजहार अपनी फेथफुलनेस से किया अपनी ताबेदारी से किया वैसा ही किया जो खुदा ने किया था और आज बपतिस्मे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने ईमान का इजहार आज आपके सामने करेंगे और ईमान का इजहार कहाँ पर जाकर करेंगे पुल में जाकर और उनके ईमान का इजहार क्या होगा थ्रू जीसस क्राइस्ट आई एम गोइंग टू हैव सलवेशन आई एम गोइंग टू हैव इटर्नल लाइफ और ये उनका ईमान का इजहार है और वो शो कर रहे हैं ताबेदारी से ओबीडियंस से बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ईमान रखता हूं, पर इस रास्तबाजी को पूरा करने से हिचकिचाते हैं डरते हैं और सोचते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं करना पर नोहा ने किया क्या कि आप करना चाहते हैं जब खुदा आपसे यह बात कर रहा है कि आप खुदावन के कितने हैं बाइबल मुकदस में लिखा है यीशु ने जवाब दिया और मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक कोई आदमी पानी और रू से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता क्या आप में से जो लोग जिन्होंने खुदावन की इस रास्ते को पूरा नहीं किया और आप खुदावन पर ईमान रखते हैं क्या आप उसके हुक्मों की ताबेदारी करना चाहते हैं शो करना चाहते हैं तो फिर वो काम करें जो बाइबल में लिखा है बाइबल में लिखा है गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर फिफ्टीन में अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों को मानते और मेरे हुक्म सख्त नहीं है नोहा के सामने एक बहुत बड़ा टास्क था शिप बनाना मेरे सामने कभी कभी छोटा सा टास्क भी आए तो हम घबराते हैं नहीं नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है डेवल नहीं चाहता उसको कि मैं और आप उस रास्ते को पूरा करें वो कहता है जैसे हो वैसे ठीक है बचपन में हो गया था ना बस ठीक है ना अब क्या जरूरत है शर्म आएगी यार लोगों के सामने हम कैसे मैं बयान करूंगा ये उसकी कोशिश है कि हम उसकी रास्ते को पूरा ना करें पर मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकदस में जब यसु मसीह ने इस रास्ते को पूरा किया तो लिखा आसमान खुल गया और आसमान से आवाज आई देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं सेड आई एम हैप्पी मैं खुश हूं वाए गॉड सेड उसकी वजह क्या थी क्योंकि खुदावन यस्सु ने तमाम हुक्मों पर अमल किया जो बताए गए थे और हुक्मों को फॉलो करते हुए कहा इज द वन जिससे मैं खुश हूं बाइबल मुकदस में रोमन चैप्टर सिक्स वर्स थ्री एंड फोर में लिखा है क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसी यसु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसमें मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलेंगे जीसस डिस्क्राइब्ड इफ यू लव हिम वी नीड टू अबे हिम नोहा ने ऐसा किया तो आज ये मैं चैलेंज आपको देना चाहता हूं अगर आप फेथ को जाहिर करना चाहते हैं तो फेथ छुपा हुआ आंसर नहीं है आई मीन इट इज नॉट आपके अंदर फेथ है और नो बडी कैन सी इफ यू फेथ एक एविडेंस है आपकी जिंदगी में यू आर क्रिश्चियन एंड यू आर वॉकिंग विद गॉड नोहा फेथ। उसने फेथ को जाहिर किया खुदा मैंने बारिश नहीं देखी पर बारिश भी आएगी 120 साल खुदा के साथ चलना कोई आसान बात नहीं है 120 साल इब्राहिम को खुदावन 75 फाइव ईयर्स का था जब खुदावन ने कहा आई एम गोइंग टू ब्लेस यू पर उसने भी हार मान ली थी आई थिंक वॉज इन एटीज जब उसकी बीवी ने उसे कहा हाजरा से मेरे लिए औलाद पैदा कर तो उसने भी अपनी उसकी बात मान ली 120 साल कंटिन्यूसली वॉकिंग विद गॉड एवरी डे सेम टास्क लकड़ी काटना बनाना आपको मौका मिले तो आप जरूर नौ हजार देखें अमेरिका में जो बनाई गई है सेम उसकी फुटेज के साथ सेम उसके पोर्शन uh, बनाए गए सेम बताया गया उसके खुराक उसके लिए खुराक जमा करना उसको बनाना और जब आप हाँ वहां पर जाएंगे यू विल फील यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड के खुदावंत कैसे लोग थे जो अपने खानदान के साथ तेरी वर्शिप करते थे और अपनी वॉक के थ्रू बताते थे कि उनका रिलेशनशिप कितना तुझसे डीप है नोहा की वाक के थ्रू उसकी कमिटमेंट का पता लगा नोहा की वाक के जरूर उसकी फेथफुलनेस का पता लगा नोहा की वाक के थ्रू उसके पेशेंस का पता लगा कि वो कितना हम्बल था कि 120 साल तक एक ही काम करता गया पर वो कभी घबराया नहीं और उसके वसीला से नस्ल इंसानी बच गई बाइबल मुक़दस में लिखा है क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ हासिल करो हम बेसबरे हो जाते हैं पर नोहा ने सबर किया 120 साल और वादा की हुई चीज को हासिल किया आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि यीशु नहीं आएगा पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यीशु आने वाला है ऐसी कलीसिया को लेने के लिए जो तैयार है बाइबल मुकदस में मत्ती की अंजील में भी गॉस्पल ऑफ लूक में भी ये बात लिखी गई है खुदावन ने यह कहा कि नू के जैसा नू के दिनों में हुआ ऐसा ही लोग ब्याह शादियां सब कुछ कर रहे होंगे और इबन आदम का आना हो जाएगा हो सकता है हम किसी मेहंदी में बैठे हो सकता है कोई डांस पार्टी चलती हो हो सकता है कोई और काम चलता हो कि बार भी क्यों चल रहा हो किसी जगह आप एंटरटेन कर रहे हो और वहां से ही गायब हो जाए हो सकता है कुछ ऐसा हो माई माई क्वेश्चन इज आर यू वॉकिंग विद गाड आर यू फ्रेथफुल विद गाड नोहा एक अच्छा बाप भी था एक अच्छा बेटा भी साबित हुआ तो मैं जब इसकी हवाले से देख रहा था तो बहुत सारी बातें मैं इसकी जिंदगी से सीख रहा था कि किस तरह से पेशेंसली खुदावन के साथ चलता रहा और आखिरी बात बताऊंगा नोहाज कंडक्ट कि उसकी विटनेस कैसी थी कि वो अपने खानदान को बचाने का वसीला बन गया नोहा अकेला काम नहीं करता रहा नोहा की फैमिली उसके साथ आ गई है ना कई दफ़ा हम अकेले ही होते हैं बच्चे साथ नहीं देते पर बच्चे भी उसके साथ थे कि नहीं हमारे बाप से खुदा ने बात की है वी गोना फॉलो और नोहा को सात चानों ने फॉलो किया और वो बच गए तो मैं बाइबल मुक़दस में से फर्स्ट जॉन चैप्टर टू वर्स सिक्स में लिखता हूँ जो कोई ये कहता है मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए ये भी कि उसके साथ चलता भी रहे कि उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हमारी कमिटमेंट खुदा के साथ बड़ी मजबूत है पर दुआ नहीं है उनकी ज़िंदगी में कमिटमेंट नहीं है फेथ नहीं है वफ़ादारी नहीं है ना वो खुदा के साथ वफ़ादार है ना घराने के साथ लोहा खुदा के साथ भी वफ़ादार था और अपने घराना के साथ भी और खुदा ने उसके खानदान को बचाया क्योंकि बाइबल में लिखा है चैप्टर में मगर नूह खुदा की निगाह में मकबूल हुआ और नू के वसीला से उसका ख़ानदान भी बच गया मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एक लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनका शुक्रिया अदा करें एक लम्हे के लिए आइए अपने कदमों पर खड़े दोस्तों हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इंक्रेजमेंट के लिए आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक जिंदगी बख्श कलाम पहुँच सके गार यू